आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है एनसीईआरटी घर में। आज हम 10 क्लास 10 का अर्थमेटिक पोजीशन पढ़ रहे हैं और एक एक चीज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जान समझते हैं कि एपी दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह होता है क्या। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल प्लस सॉल्यूशन भी इसमें यहां चलेगा। यह हो गया 5 मान लिया 2, 5, 8, 11 और यह हो गया 14। ये मान लीजिए मैंने कुछ नंबर को रखा है, ये नंबर जो है खास पैटर्न पर आधारित है। क्यों? अगर इसमें 2 में प्लस 3 करेंगे तो 5 आ गया, 5 में अगर 3 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 3 किया तो 11 आ गया, 11 में ऐड किया तो ये 3 हो गया। ये एक सीक्वेंस बन गया। क्या बन गया? ये एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में जो है वो बढ़ता हुआ क्रम में है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, हो सकता है डिग्रीज फॉर्म में भी हो, लेकिन अगर सेम डिफरेंस अगर आता हो, सेम नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में है यानी प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री है या माइनस टू माइनस टू माइनस टू सभी जगह है, सेम नंबर में है, तो उसे उस सीरीज को हम लोग इसको एपी में कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों का कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले यह है, इसको कहते हैं ए फर्स्ट टर्म, इस यहां पर हो गया सेकंड टर्म और यह हो गया थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म और यह हो गया फाइव टर्म। ये उस समय ये एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब यहां पर इसको एपी में हम अभी कह नहीं सकते हैं। कब नहीं कह सकते हैं? जब तक हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे जिसको D1 से इंडिकेट कर सकते हैं। पहला वाला इसका निकालने का तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए तो 5 में से 2 जैसे घटाएंगे मिलेगा 3। उसी तरह से कॉमन डिफरेंस अगर घटाते हैं तो A3 में से A2 घटा दीजिए, 8 में से 5 घटा दिया मिल गया 3। तो आप देखेंगे कि सभी जगह यही सेम नंबर मिलता जा रहा है, तब आप इसे कहेंगे आर इन एपी। क्लियर? एपी समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक सीरीज ये सीक्वेंस कैसे होता है। अब यहां पर जो हमें जरूरत पड़ेगा वह होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 11 लिख दिया है, 14 लिखा है डॉट 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 जाके, और मैं यहां पर पता नहीं कितने इंफिनिटिव टर्म है ये हमको नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये नहीं मालूम है। यहां के लिए अगर आप चाहेंगे तो एक फॉर्मूला है जिसको एन भी है, किसी किसी बुक में आपको TN भी मिलेगा, इक्वल टू फर्स्ट टर्म AN-1 × D। याद रखिएगा कि AN हम लिख रहे हैं यहां पर, चलिए इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं पर आपको AN लिखिए, किसी बुक में आपको TN मिलेगा। ठीक है, तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसे आप हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर डिफाइन कर दो कि ये सारा टर्म क्या है। ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है ये आपका फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो आपने देखा कॉमन डिफरेंस है, और एन जो है वो है एनथ टर्म, क्या है एनथ टर्म, और ए एन जो है ना nth टर्म जो होगा वो an होगा, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना दिया होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, इसके पर एक बेस क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि इसके हम लोग कैसे सॉल्व इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसका यूज करने के लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, यही क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है उसी क्वेश्चन को रहने दिया है, और कहा यहां पर कह रहा है कि n का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए यहां 14 है और हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये हो गया आपका, मैं कितना में फर्क था, ये 3 का फर्क है, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23 है ना, लास्ट में 23 मान लीजिए यहां तक है। अब यहीं तरह रहने दीजिए, ये डॉट डॉट कर दिया और मैंने यहां पर एक टर्म को छोड़ दिया, लास्ट टर्म हमको पता है कि वो 23 है। आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये पता नहीं कितना है, लेकिन लास्ट टर्म 23 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ क्या है भाई, तो टी एन लास्ट टर्म जो है वो 33 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, ये 5 में से 2 घटा दीजिए, तो बच गया 3, ये बचा हुआ है। अब आप चलिए टी एन इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का वैल्यू के जगह पर जो वैल्यू है 23, इसे आप लास्ट टर्म रख दीजिए। फर्स्ट टर्म आपका 2 दिया हुआ है, एन आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, वो रख दिया मैंने। अब इसको इससे माइनस करिए, 23 में से 2 माइनस कीजिए, एन माइनस 1 इंटू 3। इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। एन माइनस 1 और ये नंबर 3 जो है यहां डिवाइड हो गया, ये कितने बार डिवाइड हो गया, 7 बार में। अभी हमारे पास क्या बच गया, 7 है ना, दिखाई दे रहा है 7, और यहां हो गया एन माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया, इधर हो गया 7 और ये हो गया एन माइनस 1, एन का वैल्यू निकालिए, 7 प्लस 1 ये कितना हो गया 8, तो एन का वैल्यू 8वां टर्म में ये होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना टर्म में है, T8 में है, एनवा टर्म में है, लास्ट हो गया ना। सो गाइज, इसी तरह का वीडियो आपको 2-4-5 मिनट का रोज रोज मिलेगा। सो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद।